मैं फरहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडियन मीडिया बुक और आज बात करूंगा एनआरसी के बारे में और मेरे साथ हैं शरियार भाई। शरियार भाई देखिए एनआरसी का बहुत ज़्यादा पैनिक है तो आप इसको कैसे क्या बोलना चाहेंगे कि लोगों को पैनिक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये जो सीनारियो जो पूरा था ये पूरा था आसाम के लिए तो ये जो ऑल इंडिया का चल रहा है उसके ऊपर और जो एनपीआर आने वाला है उससे एनआरसी का कुछ लिंक है क्या? एनआरसी से क्या भी डरने की ज़रूरत नहीं है जी। एनपीआर एनआरसी से पहले एनपीआर आता है, इट्स अ प्रेल्यूड टू एनसीआर। और यहाँ पे कर्नाटक वो आसाम में यूनिक था एनसीआर क्योंकि वहाँ पे ये रेड फ्लैग राइज करे थे कि बहुत इमिग्रेंट्स आ गए हैं भर गए हैं बोल के। उसका एडवांटेज देखिए कांग्रेस भी लेके है 1980s में बहुत मुस्लिम्स आ गए थे, मुस्लिम्स भी इमिग्रेंट्स आए थे तो इलीगल इमिग्रेशन एक्ट 1983 इंदिरा गांधी एनैक्ट करके उसमें एक अच्छी बात वो एक्ट की ये थी कि अगर मैं बोल दूं कि फरहान साहब इलीगल इमिग्रेंट हैं तो मुझे प्रूव करना था, वो कानून के हिसाब भी एविडेंस एक्ट के बराबर ही था। ये बीजेपी के लोग वो कांग्रेस को फायदा हुआ उससे, मगर वो एक्ट को स्ट्राइक डाउन भी कर डाली क्योंकि उसमें कन्विक्शन रेट ऑलमोस्ट जीरो था। तो ये बेगरत लोग उल्टा बना दिया उसको कि अगर पुलिस वाला आसाम बॉर्डर पुलिस यूनिक पुलिस है कहीं भी बॉर्डर पुलिस नहीं सिर्फ आसाम में, वो लोग बोल दे कि फरहान साहब इलीगल इमिग्रेंट है तो फिर आपको प्रूव करना है, दिट इज़ वेरी डेंजरस। और आसाम में क्या है 1951 में जो इन्यूमरेशन हुआ था सेंसस हुआ था जो वो एक टाइप का एनसीआर हुआ था वो और ये मैच होना अब होने का उसमें आपका नाम फरहान था तो इसमें फुरान हो गया तो कहते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। और उसकी सबसे ये आसाम में होता है यहाँ नहीं होता और डिटेंशन सेंटर्स बना के हैं। और सबसे बड़ा फरहान साहब 1,17,000 लोगों को इलीगल इमिग्रेंट डिक्लेयर करी थी वो फॉरेन ट्राइब्यूनल्स, उसमें 63,000 एंड ऑड ना एक्सपार्टी थे, वो लोग आए ही नहीं थे। इन्हों क्या करते तीन जने के जो कॉरोबरेटिंग सिग्नेचर्स लेके इन्हें फॉरिनर बोल के, उसका एग्जांपल था सनाउल्ला साहब जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस थे बीएसएफ में, उनको भी इंडियन इमिग्रेंट डिक्लेयर कहते फिर करेक्शन करना पड़ा उनको। तो 1951 के रिकॉर्ड है, छोरा नाम में फ़र्क आ गया एरोनियस से, कोर्ट खुद जो जो फॉरिन ट्राइब्यूनल्स बोली थी कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, कोर्ट को जब ये लोग गए तो कोर्ट ही 500 लोगों को बोली कि ये गलत आप कर दिए हैं, अब एरर है आप केस में बोल के कोर्ट भी डिक्लेयर करके। दूसरी बात उसमें ये भी खामी है कि फॉरिन ट्राइब्यूनल जो सेटअप करके हैं वो 1946 के एक्ट से करके हैं, वो पूरा बर्बाद करके सिस्टम वहाँ करके हैं। ये इस चीज़ की इधर मुझे नहीं लगता कर्नाटक के लोग हैं, बाकी के इंडिया के लोग भी इसके बारे में ज़्यादा इसके बारे में फिक्र करें। एनपीआर एक्ट जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है वो तो वो ठीक है, मगर उसका एक और एक चीज़ सुनने में आ रही कि अमित शाह बोल रहे हैं कि हम लोग ये सब करने के बाद एक कोई स्मार्ट कार्ड जैसा बना देते हैं, उसमें है ना 6.4 KB का एक माइक्रोचिप लगा देंगे, उसमें 13 डेमोग्राफिक पैरामीटर्स रहते हैं आपके, वो बायोमेट्रिक्स में लेते हैं। एनपीआर का बेसिस क्या है? सिटीजनशिप एक्ट है, एनपीआर आपके सिटीजनशिप का आइडेंटिटी प्रूफ हो सकती है, वो यूडीआई का फिर क्वेश्चन आता है, यूडीआई प्रूफ नहीं हो सकता। तो ये फर्क है इसमें। यहाँ तो एनपीआर जब होगा तो एक जब सर्वे शुरू होगा तो कंज्यूमर को और जो भी है उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? क्या भी नहीं है, जो कार्ड है दिखाओ। देखो आसाम का कट ऑफ डेट था सिटीजनशिप का मार्च 24, 1971, ये दूसरी इंडिया का जो है वो जनवरी 1st 1950 से लेके 1987 तक है, उसमें जो भी पैदा हुए इंडिया का सिटीजन है 87 से लेके 2000 तक जो पैदा होते हैं उनके एक माँ या बाप इंडियन सिटीजन रहना, और 2003 से लेके अब तक जो पैदा होते हैं उनके एक माँ या बाप इंडियन रहना, दूसरा इलीगल इमिग्रेंट नहीं रहना। तो यहाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही लगता नहीं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पे रोशनी डालने के लिए। जब भी एनपीआर का सर्वे हो तो बहुत केयरफुली हर कॉलम को आपको भरना ज़रूरी है, और आप इस बात का ज़रूर ख्याल कीजिएगा कि जब आप कोई एड्रेस और कोई नाम देते हैं तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।